पहले तिलावत किया, आप नहीं करेंगे उमर खान आते हैं जो है ना डांस दिखा रहे वलीद खान मलाना लेट क्यों है मेरे प्यारे साथ हेड मास्टर हम साथ सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जो मुझे इस काबिल बनाया, उसके बाद मैं आप सबका शुक्र अदा करता हूँ जो मुझे इस काबिल समझा। बोले रमजान वेलकम टू द शो। गुजारिश ही है क्योंकि इस तरह का प्रोग्राम अरेंज करने की इजाज़त नहीं होती। बात मेरी तवज्जो के साथ सुनने पहले बड़ा एक खामोश रहे। इस तरह के प्रोग्राम को अरेंज करने की इजाज़त बाकायदा इजाज़त नहीं है, तो आपने क्या करना है थोड़ा सा फासले पे बैठना है, थोड़ा सा आगे पीछे। वैसे तो 6 फुट का फासला है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कम अज़ कम हमारे SOP से नज़र आए ना, कम अज़ कम इतना तो होगा। हवा चल रही है, नहीं है इतनी गर्मी माशाल्लाह, प्रोग्राम को जल्दी हम इंशाल्लाह वेंड अप करेंगे, तो आप थोड़ा सा फासले पे बैठे ताकि आने वाले को देखने वालों को ये महसूस हो। पहली बात ये, दूसरी बात जो बड़ी अहम बात है वो सुन लें तमाम बच्चे। सबसे अहम बात, हाँ बिल्लू बैठो, सबसे जो अहम बात है वो ये है कि मोबाइल की वैसे तो इजाज़त है नहीं। उसकी वजह क्या है कि बाज़ दफ़ा जो है ना ये फेसबुक पे चढ़ा देंगे, बाज़ दफ़ा यूट्यूब पे या इधर उधर व्हाट्सएप, तो हमारे स्कूल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। क्योंकि इस दौरान कोई प्रोग्राम, क्योंकि छुट्टियां आप सबको पता है और वो भी सरकारी स्कूल में, इस तरह का प्रोग्राम की इजाज़त नहीं है। सुने मेरी बात, लेकिन अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो किसी और को व्हाट्सअप नहीं करना, फेसबुक पे नहीं चढ़ाना, यूट्यूब पे नहीं चढ़ाना इन प्रोग्राम को। ये बात पहले सुन लें, अगर इस तरह का कोई हरकत करेगा तो उससे बेहतर है वो ना ही इस्तेमाल करें, ठीक है, अपने लिए इस्तेमाल करें। ये ना हो तो फिर आगे चलाते रहें, फिर स्कूल की पिक्स आएंगी, ये वीडियो आएगी, वो कहेंगे कि क्योंकि इजाज़त है ही नहीं इस कोरोना की वजह से, तो आप समझ लें कि एक बाकायदा हमारे लिए इशू पैदा हो जाएगा। तो उसके लिए हेडमास्टर साहब भी जवाब दे होंगे, जो साहबान प्रोग्राम कर रहे हैं वो भी जवाब दे होंगे। ये बात सुन रहे हैं, कोई छोटे बच्चे नहीं है आप, समझ गए मेरी बात। अगर आप बनाते भी हैं वीडियो तो इसको आगे अपलोड नहीं करना, बात सारे समझ गया ना मेरी। तो ये बात सर ने भी कही थी, आपके सामने इलाज साहब ने भी कही है, और मैं भी कह रहा हूँ ये हमारे इस तरह ना हो तो स्कूल की इमारतें आ जाए।